श्री कृष्ण राधे राधे, श्री हरदास। और ये सब अब बच्चों के गर्मियों के कपड़े जो है धो के रखे हुए थे, अब ये निकालिए हैं। अब इनको एक बार धो के और धूप लगा रहे हैं। तो आप सब बोलते रहते हैं कि आप उनके वस्त्र दिखाइए, तो ये वो वस्त्र हैं जो वो ज़्यादातर नाइट वेयर्स करते हैं, मतलब रात में पहनते हैं। ठीक है, अभी और दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी हमने इधर भी सुखाए हैं। अभी बहुत अभी मेरे को काफ़ी सारे मैंने रखे हैं कपड़े, ये हैं। क्योंकि इनको धूप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब धो के ही रखे थे, लेकिन उसके बाद भी हमने एक बार धो दिए हैं और इनको धूप लगा रहे हैं। ये ज़्यादातर जब वो बहुत नॉर्मल फील करते हैं तब ये वस्त्र पहनाए जाते हैं उनको, ये। और यहाँ पर यह है कि थोड़ा जल्दी से ही सूख जाएंगे तो मैं साथ ही साथ इन्हें ले जाऊँगी। और गर्मियों की इनकी सारी चादरें भी मैंने एक बार और धो के धूप लगा दूँगी। तो काफ़ी सारी केयर करनी पड़ती है, ये सच है। अब अंदर रूम के लिए भी हमने एक नए दो कारपेट्स लिए हैं। अब यहाँ पर मुझे कुछ कारपेट पर ही सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि जगह जगह तो बहुत है, लेकिन अब ये उड़ने का भी थोड़ा डर रहता है और बार बार ध्यान देने भी आना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के कपड़े हैं। ये सच है कि सच बताऊं कपड़े बहुत अधिक हो जाते हैं, और उनमें से बहुत सारे वस्त्र मैंने आज निकाले भी हैं जिनका हम विसर्जन करेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि विसर्जन कैसे और कहां करना है। अब ये कपड़े सूख जाएं, उसके बाद मैं ये चादरें भी जो है सुखा के साथ ही साथ ले जाऊंगी। अब हम चल रहे हैं नीचे, और हमें बार बार जो है आना पड़ेगा। मैं ऐसा ही करती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में आके देख के फिर वस्त्रों को ले जाऊँगी। यहाँ से कितना अच्छा व्यू नहीं लग रहा है देखो। और घर की तो हालत भैया बच्चों ने बहुत बुरी कर रखी है, क्योंकि बहुत सारे वस्त्र जो हैं हमने आज निकाले हैं, उनमें से काफ़ी सारे जो हैं विसर्जन के लिए निकले हैं। और जो उनके जरी वाले जो कपड़े होते हैं, कुछ कपड़ों को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से धोना पड़ता है, क्योंकि उसमें नग और लेस और गोटा होता है। उनको जिस दिन मैं अच्छी तरह से आपको दिखाऊंगी किस तरीके से उनको धोना है। आज इनका रूम फिर से साफ़ किया है, बहुत बार सफाई हो जाती है। और आज हमको करना कुछ और था और लग किसी और कार्य में गए हैं। और जितने भी जरी के जो वस्त्र होते हैं, जिसमें बहुत सारे नग और जरी रहती है ना मोटी, उनको आप रोज़ तो नहीं धो सकते हैं। अगर आप उनको रोज़ धोएंगे तो यकीन मानिए वो तो दो दिन में ही ख़राब हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें गंगा जल का इस्तेमाल करना पड़ता है, पवित्र करके हमें उनको रखना होता है। और जब पहनाते हैं उस वक्त भी हमें गंगा जल छिड़क कर जो है उन वस्त्रों को पहनाना होता है, कि कम से कम वो दो चार बार तो आप पहना ही सको। क्योंकि अगर आप उनको ड्राई क्लीन भी करवाते हैं तो ड्राई क्लीन में भी देखिए शुद्धता नहीं होती है। आप खुद सोच सकते हो कि ड्राई क्लीन में वो आपके ही वस्त्रों के लिए स्पेशल नहीं करेंगे, प्लस वहाँ पे केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है। तो हम कुछ वस्त्रों को जो है बहुत इजी वॉश करते हैं, उसमें हमें जो धोना होता है उसमें नाम मात्र के लिए हमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि आप कम केमिकल्स वाले चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, आप इजी भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से कपड़े निकल जाते हैं। और पानी में बहुत बार उनको निकालना है ताकि कोई भी झाग या कोई भी कण ना रह जाए, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। सुखाते वक्त भी मैंने आपको बताया कि जब आप वस्त्र सुखा रहे हो तो, क्योंकि वो बच्चों के वस्त्र हैं, तो आपको जल्दी जल्दी देख कर और तुरंत उनको तय करके निकाल के रखना है। क्योंकि अगर आपके वस्त्र गिर रहे हैं नीचे तो भी वो आपको फिर दोबारा धोने पड़ेंगे, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैं चिमटियाँ लगाना देखो भूल गई हूँ, अब मुझे फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये इस तरह की गलतियाँ बहुत बार हो जाती हैं। तो बहुत सारी बारीकियाँ हैं जो देखनी पड़ती हैं। वैसे तो सभी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी कोशिश कर सकते हो उतना अच्छा है। और त्रुटि अगर हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है, तो भगवान हमारे भाव भी समझ रहे हैं कि हम कैसी गलतियाँ कर रहे हैं। तो भगवान को हमारे भाव बहुत अच्छे से पता होती हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं सभी भक्तों के पास उपलब्ध नहीं होती हैं। हमारे पास भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो नहीं हैं उपलब्ध, जो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने भाव को लेकर प्रभु को पूर्ण सेवा दे सकते हैं। एक वस्त्र से भी हम प्रभु को सेवा दे सकते हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब जो सेवा दे रहे हैं वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। मेरी सेवा में भी बहुत सारी त्रुटियाँ हो सकती हैं,
और होती भी होंगी, मैं मानती हूँ और प्रभु को मैं ये बात बोलती भी रहती हूँ कि जो त्रुटियाँ हैं आप प्लीज़ मुझे बताते जाए प्रभु, हम उसको पूर्ण रूप से सही करते जाएंगे। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरदास।